स्टूडेंट्स, चलो हम आज स्टैंडर्ड वन गुजराती प्राइमर टेक्स्ट बुक कम वर्कबुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमने अल्फाबेट्स स्टेप वन, स्टेप टू और स्टेप थ्री तक हमने कंप्लीट कर दिया था। ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आई होप आपने होमवर्क कंप्लीट कर दिया है। ओके, आज हम देखेंगे स्टेप फोर, स्टेप फाइव एंड स्टेप सिक्स और हो सके तो हम स्टेप सेवन भी आज कंप्लीट कर देंगे। तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पहले फिल करना है, फिर ये टेक्स्ट बुक में जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाने के बाद में थोड़ा मैं आपको आपकी गुजराती की नोटबुक कंप्लीट करवाऊंगी, जिसमें आपको किस तरह से टाइप करना है वो भी दिखाऊंगी और आपको स्टेप फोर अलग से नोटबुक में लिखना है तो लिख सकते हैं आप, अभी आप अकेले घर पर हो। ओके, आपके पास टाइम ही टाइम है, स्कूल में जाना नहीं है, आना नहीं है। ओके, तो स्टेप फोर आपको नोटबुक में लिखना है तो आप अच्छी तरह इस वर्ड को और लिख सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड। अभी ना हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेप फोर। देखो यहाँ पर है फर्स्ट चित्र जुओ, शब्द वाचो अने लखो, सी द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स एंड राइट देम। ध से ढग, ढ से ढग, क से कमल, मतलब यहाँ पर ढ और हमें कौन से क पढ़ना है, यहाँ पर वर्ड लिखना है ढ से कोशिश करना है बच्चों लाइन टू लाइन ही आप लिख पाए। ओके, ढ से डन। ओके, ढ से डल, नेक्स्ट है क से कमर, क से कमर, क से कमर। यहाँ पर फिर ये लाइन देखो, बीच वाली लाइन छोड़ देना है ना, फिर ड से ढग, ड से ढग, ड से ढग। ओके, ड से ढग, इस तरह कुछ इरेजर करके आप इरेज कर सकते हो। देखो ये थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है ना, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, तो आपको ऐसे हो जाए आपका वर्ड लेटर तो थोड़ा इरेज करके फिर से करना है। ओके, ड से ढग, ड से ढग, फिर यहाँ पर कमर, क से कमर, क से कमर, क कमर नो क, बराबर गुजराती में क कमर नो क, कमर कमर। ओके, फिर नेक्स्ट ही डेन फाइट, छ से छ छतरी नो छ, शू कहवाई बाड़को आने, छ छतरी नो छ, 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 ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ओके, फिर छ के बाद क्या आता है, ज जम रुक नो ज, ज जम रुक नो ज, ज जम रुक नो ज,
जम रुक नो जम, फिर है ज जब ला नो ज, 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 ट टपाली नो ट, ट टपाली नो ट, ट टपाली नो ट, थ ठड़िया नो ठ, सुधी भाई थ ठड़िया नो ठ, थ ठड़िया नो ठ, बोलती जाना है, लिखती जाना है, स्पीक एंड राइट, थ ठड़िया नो ठ। फिर यहाँ पर वाचो निरंकुर, रीड एंड फील इन द कलर्स। तो ढग और कमर में आपको आपके मनपसंद कलर फील करना है। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, इस तरह से आपको कलर फील करना है। ओके, ये सारे कलर फील करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, चलो वर्ड है स्टेप 5 स्टार्ट करेंगे। चित्र जुओ, शब्द वाचो अने लखो। सी द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स एंड राइट देम। फळ, फळ मतलब के फ्रूट्स। भमर, भमर मतलब के आई प्रो। ओके, तो यहाँ पर लिखना है फळ, फळ नो फळ, फ ड, सुवंचाई फळ, फ हळ, पछी भ म र, भ म र, फ ड, फ ड, फ ड, फिर है फ ड, यहाँ पर थोड़ी छोटी हुई तो थोड़ी करनी होगी लाइन। फ अड़, फ अड़, फिर है बमर, भ म र, भ म र, भ म र, भ म र, फिर है भ म र, नेक्स्ट भ म र, फिर हम रीड करेंगे, रीड एंड राइट, वाचो ने लखो। आने के बाद से ड डब्बा नो ड, ड डब्बा नो ड, ड डब्बा नो ड, ड डब्बा नो ड, बराबर छे ने, ड डब्बा नो ड, नेक्स्ट ढ ढगला नो ड, ढ ढग नो ढग, बराबर छे, ढ ढगला नो ड, ढ ढगला नो ड, पची अण फेन नो अण, अण फेन नो अण,
બરાબર છે. અણ ફેરનું અણ, અણ ફેરનું અણ, અણ ફેરનો અણ, ઓકે, અણ ફેરનું અણ. પછી ત તલવારનું ત, શું આવે? ત તલવારનું ત, ત તલવારનું ત, શું વંચાય એને? ત તલવારનું ત, બોલતા જવાનું અને લખતા જવાનું. ત તલવારનું ત. પછી એના પછી આવે થ થડનું થ, થ થડનું થ, થ થડનું થ, થ થડનું થ, થ થડનું થ. વાંચો અને રંગ પૂરો. અહીંયા રંગ પૂરવાનું ફળમાં અને ભંબરમાં, બરાબર છે. હવે નેક્સ્ટ આપણે જઈએ પગલું છ. ચિત્ર જુઓ, આ શબ્દ વાંચો અને લખો. સી ધ પિક્ચર્સ, રીડ ધ વર્ડ્સ એન્ડ રાઇટિંગ. ખ ખલનો ખ, પણછનો પ, બરાબર છે. તો અહીંયા લખીશું ખ લ, ખ લ, ખ લ, ખ લ. આપણે અહીંયા લખીશું સેકન્ડ લાઇનમાં એ બીજી લાઇન છોડીને, ખ ધીરે લખવાનું છે, બરાબર છે. આપણે ઉતાવળ નથી, સુંદર અક્ષરે લખવું પડે ને. ખ લ, ખ લ, ખ લ, ખ લ, ખ લ. પછી છે પ ણ છ, પ ણ છ, પ ણ છ, પ ણ છ, પ ણ છ. પણજ શું કહેવાય? પણજ, શું વંચાય એને? પણજ. અણ છ, પણજ. પ અણ છ, પણજ, બરાબર છે. પ અણ છ. પછી વાંચો અને લખો, રીડ એન્ડ રાઇટ. દ દડાનો દ, દ દડાનો દ, આમ કરવાનું, આ રીતે નીચે જવાનું, બરાબર. જુઓ, આમ દ દડાનો દ, દ દડાનો, જુઓ ધ્યાનથી જોશો તો કેવી રીતે લખવાનું, ધ્યાન ખ્યાલ આવે, બરાબર. જુઓ એક લાઈન, વન ઓર ટુ, દ દડાનો દ, દ દડાનો દ, દ પછી આવે છે કયો મૂળાક્ષર? દ, દ ધજાનો દ, બરાબર છે. દ ધજાનો દ, દ ધજાનો દ, દ ધજાનો ધ,
ध धजानो, ध ध धजानो, ध। पछी आवे छे न नगारानो, न न नगारानो, न न नगारानो, न न नगारानो, न। पछी ने पछी आवे छे प पतंगનો, પ પ પતંગનો, પ પ પતંગનો, પ પ પતંગનો, પ પ પતંગનો, પ। એના પછી આવે છે ફ ફટાકડાનો, ફ ફ ફટાકડાનો, ફ ફ ફટાકડાનો, ફ ફ ફટાકડાનો, ફ ફ ફટાકડાનો, ફ। ફળનો પણ ફ અને ફટાકડાનો ફ। ચલો હવે આમાં તમને હોમવર્ક આપું છું, રંગ પૂરવાનું, બરાબર છે? વાંચો અને રંગ પૂરો ખ લ અને પણ છ, ખ લ પણ છ। ચલો આજે આપણે કેટલું શીખ્યા, પાછું રિવિઝન કરી લઈએ એક વખત, બરાબર છે? ચલો ક ક સ્ટેપ થ્રીથી સ્ટાર્ટ કરીએ, બરાબર છે? આને કહેવાય ક કમળનો ક, ખ ખટારાનો ખ, સૂંચાય ક કમળનો ક, ખટારાનો ખ, ગણપતિનો ગ, ઘરનું ઘ, ચકલીનું ચ, છત્રીનું છ, જમરૂખનું જ, જબલાનું ઝ, ટપાલનું ટ, થળિયાનું ઢ, ડબ્બાનું ડ, ઢગલાનું ઢ, અણ ફેનનો અણ, ત તલવારનું ત, થ થડનું થ, દડાનું ધ, ધ ધજાનું ધ, ન નગારાનું ન, પ પતંગનું પ, ફ ફટાકડાનું ફ। ચલો આજે આપણે આટલું જ રાખીએ, બરાબર છે ને? હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે સ્ટેપ 7, સ્ટેપ 8, સ્ટેપ 9 દેખેંગે, ફિર એક્ટિવિટીઝ કમ્પ્લીટ કરેંગે। ઓકે, નાવ ટેક કેર, બાય બાય, સી યુ।